हर महीने अपना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हिम्मत बरुआ एक बार फिर से आपका आपके चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि मतलब एक्वेरियस जोडियक साइन वाले सभी जातकों के लिए जून और जुलाई के महीने कैसे रहने वाले हैं, और हम बात करेंगे आपके जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। दोस्तों, ये राशिफल जून और जुलाई दोनों माह के ग्रह गोचर पर आधारित है, और आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मेरे सभी वीडियो में ग्रह गोचर जो इशारा करते हैं मैं सिर्फ वही बताता हूँ, और हर बात आपके अनुसार हो और आपको पसंद आए ऐसा हमेशा संभव नहीं। इसलिए आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाने के बजाय आपको ज़रूरी बातों के लिए सतर्क करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि और चंद्र लग्न दोनों के लिए मान्य है, और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो इसे जानने के लिए मैंने एक लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर एक मिनट में अपनी चंद्र राशि के बारे में जान जाएंगे। और दोस्तों, हम इस वीडियो में ग्रह गोचर के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह किस दिन किस राशि में गोचर करेंगे। बस मैं वीडियो के बीच बीच में आपको ग्रह गोचर के संबंध में कुछ कुछ जानकारी अवश्य देता रहूँगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उनका आधार क्या है। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपका भाग्य जून और जुलाई में कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपके भाग्य के स्वामी शुक्र हैं, और जून माह की शुरुआत से ही आपके चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। केंद्र त्रिकोण का ये योग परिवार में खुशहाली और समृद्धि देने वाला होता है। परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और सुविधाओं पर खर्चा भी होगा। भाग्य के बल पर आपके जीवन स्तर में कुछ सकारात्मक बदलाव भी अवश्य हो सकते हैं, और परिवार को लंबी दूरी की यात्रा का योग भी बना हुआ है, और ये यात्रा धर्म संबंधित भी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जॉब के संबंध में जून और जुलाई के माह आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। यदि जॉब के नज़रिए से देखें तो ये माह आपको जॉब में, या कहें कि जॉब संबंधित जो स्किल सेट्स हैं उनको लेकर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, या कहें कि आपके मन में ऐसा विचार देने वाला है जहां जॉब में आगे बढ़ने के लिए आप किसी कोर्स या प्रोग्राम को ज्वाइन करने की सोच सकते हैं, और ये माह जॉब में बदलाव और ट्रांसफ़र का योग भी बना रहा है। परंतु मंगल का राहु के साथ गोचर आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा गर्म मिजाज दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा सहज रहें मतलब इजी रहें, और किसी भी तरह का कोई ऐसा शॉर्टकट अपने या किसी और के कार्य के लिए बिल्कुल भी ना लें जो बाद में आपकी जॉब को परेशानी में डाल दें। क्योंकि राहु के साथ मंगल का गोचर व्यक्ति को तरकीब, गड़बड़ी या जोखिम को नज़रअंदाज करके कार्य करवाता है। जुलाई माह में आप अपने कॉम्पिटिटर पर हावी रहने वाले हैं। बस आप अपनी ईगो और एटीट्यूड को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखें, अपने आप को थोड़ा सा अप्रोचेबल बनाएं, मतलब कि आपको अपने आप को इतना इजी रखना है कि यदि कोई आपसे बात करना चाहता है तो वो कंफर्टेबल फील करे। तो इसलिए अपने आप को आप अप्रोचेबल बनाएं, और ख़ास तौर पर जो लोग खुशामद करते हैं, खुशामद करने वाले लोगों से दूर रहें, क्योंकि जो लोग खुशामद करते हैं वह कहीं ना कहीं आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अपने आप को विनम्र बनाएं, और यदि कोई आपका किसी भी तरह का कार्य करता है उसे पूरे उत्साह गर्म जोशी के साथ धन्यवाद अवश्य कहें। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे आपकी एनर्जी जो है वह वर्क प्लेस में चैनलाइज हो जाए, और क्योंकि जुलाई माह में मंगल के साथ सूर्य भी गोचर करेंगे और ये इंसान को थोड़ा ज़्यादा ही ईगो, एरोगेंस और एटीट्यूड से भर देता है, और व्यक्ति जो है वह अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता। तो इसलिए सौम्य रहें, अप्रोचेबल रहें और साथ में सतर्क भी रहें। आइए अब जानते हैं कि बिजनेस के नज़रिए से जून और जुलाई के माह आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, जून माह में बिजनेस को लेकर आप थोड़ा सा आक्रोशित रह सकते हैं,
और भय में भी रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य राहु के साथ पीड़ित होंगे और मंगल भी राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य आपके आत्मबल को थोड़ा सा हिला सकते हैं और मंगल आपकी योजनाओं की विफलताओं या योजनाओं में दुविधाओं के प्रति आपको अंदर से आक्रोशित रख सकते हैं। दोस्तों, इस बात से घबराएं नहीं, कुंडली में जो है मैं वही बताता हूँ, बहुत घुमा फिरा कर मुझे बात करने की आदत नहीं है। ये वहाँ आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ मन मुटा दे सकता है। 17 जून के बाद से सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे और सूर्य 22 जून से, और यहाँ से ये आपको आपके छुपे हुए शत्रुओं के प्रति सतर्क करेंगे, अलर्ट करेंगे, और आप मार्केट और बिजनेस में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। परंतु ये यहाँ से वह भाव को भी देखते हैं और इसलिए आपकी ऊर्जा शत्रुओं पर व्यय हो सकती है, खर्च हो सकती है, मतलब आपका जो ध्यान है अपने कॉम्प्यूटर्स की तरफ ज़्यादा रह सकता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। आपको अलर्ट होना आवश्यक है, परंतु आपके टाइम का एक बहुत बड़ा पोर्शन इन सभी बातों में जाएगा, तो आप आवश्यक काम कब करेंगे। तो आपसे इतना कहूँगा कि समय की कीमत है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर ना उलझें और अपना कुछ कार्य आउटसोर्स अवश्य करें, क्योंकि कुछ कामों की वजह से आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। आप अपने लिए सिर्फ महत्वपूर्ण कार्य ही रखें। ये सिर्फ ग्रह गोचर का इशारा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए जानते हैं वैवाहिक जीवन के नज़रिए से जून और जुलाई के माह आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में पारिवारिक अधिकारों को लेकर कुछ खींचातानी अवश्य रह सकती है, क्योंकि आपके सप्तम स्थान के स्वामी सूर्य का शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में गोचर ये इशारा कर रहा है। दोस्तों, सूर्य आत्मा और पिता के कारक हैं और चतुर्थ भाव माता का भाव है, तो ये इशारा करता है कि आपको अपने माता पिता संबंधित सुख सुविधाओं और ज़रूरतों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए, वरना ये पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है। सूर्य का ये गोचर आपको आपके कार्य क्षेत्र में ट्रांसफ़र दे सकता है या फिर माता पिता से दूर रख सकता है, इसलिए शांत मन से उनकी मनोदशा अवश्य समझें और विनम्रता के साथ सहयोग करें। ऐसा करने से सूर्य सौम्य होंगे और वैवाहिक जीवन पर भी अशुभ प्रभाव कम होगा। ध्यान रहे, सूर्य आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं और माता पिता को नाराज करके आप कभी भी वैवाहिक जीवन में शुभता नहीं जोड़ पाएंगे। बात कड़वी है, पर मैं सिर्फ खुश करने वाली बातें नहीं कहता हूँ, परंतु जो बातें आवश्यक हैं उनकी तरफ आपका ध्यान अवश्य खींचना चाहता हूँ और आपके साथ शेयर भी अवश्य करता हूँ। तो इस तरफ ध्यान दें और अच्छे से अपना पारिवारिक जो जीवन है उसे आगे प्लान करें। और आइए अब जानते हैं प्रेम संबंध के नज़रिए से जून और जुलाई के माह आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, आपके प्रेम संबंध के स्वामी बुध माह की शुरुआत से ही अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ बुध का गोचर ज़्यादा बातें करने और हंसी मजाक का स्वभाव देता है। समय आपके लिए हल्के फुल्के पल देने वाला होगा। आप अपनी बातों से अपने पार्टनर को इम्प्रेस भी करेंगे, पर ध्यान रहे, राहु बहुत शातिर है और अशुभ भी होता है। ये आपको बातों बातों के माध्यम से ही किसी उलझन में डाल सकता है, इसलिए ज़्यादा जोश में आकर कोई भी ऐसी बात ना कहें जिसे पूरा करने के लिए बाद में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े या फिर आपको परेशानी हो। बुध 21 के बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे और ये आपको थोड़ी बहुत प्रेम संबंध में उलझन या मन मुटाव दे सकते हैं। तो जो मैंने पहले कहा उसका आपको पूरा ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसी कमिटमेंट ना करें जिसे बाद में पूरा करने में आपको परेशानी हो, और कोई ऐसी बात भी ना कहें जो बाद में आपके ऊपर भारी पड़ जाए। और जुलाई माह में मंगल सूर्य और शुक्र का गोचर आपको सतरंगी एहसासों के सपनों में बांध कर रखने वाला है, पर ये सब क्योंकि त्रिक भाव में हो रहा है इसलिए पार्टनर के प्रति आप उत्साहित तो रहेंगे परंतु मन में कुछ दुविधा भी रहेंगी। आइए अब जानते हैं कि जून और जुलाई के माह संतान के हिसाब से आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये माह बहुत स्ट्रॉन्ग संतान योग बना रहा है, क्योंकि राहु का पंचम में गोचर और पंचम के स्वामी का पंचम में गोचर एक बलशाली संतान योग बनाता है और वक्री शनि की सप्तम दृष्टि इस योग में कुछ बाधा या देरी तो उत्पन्न अवश्य कर सकती है, पर क्योंकि शनि आपके चंद्र लग्न के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं, तो ये प्रयास के माध्यम से आपको संतान प्राप्ति करवा सकता है। कहने का अर्थ है, जो लोग किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या की वजह से संतान सुख से दूर हैं, ये समय आपके लिए शुभ है। 21 जून के बाद बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे
और जुलाई माह के अंत तक यहीं रहेंगे। ये चिकित्सा के माध्यम से संतान सुख प्राप्ति का योग बनाएंगे। ये माह संतान सुख में आपको शुभ समाचार देगा और आपके मन को उत्साह से भरा रखेगा। आइए बात करते हैं कि जून और जुलाई के माह आपकी शिक्षा के प्रति कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, आपके शिक्षा भाव के स्वामी बुध हैं, जो जून माह की शुरुआत से ही राहु के साथ अपने ही राशि में गोचर करेंगे। शिक्षा में शॉर्टकट लेने से बचें और अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा रखें। राहु का पंचम में गोचर शिक्षा भाव में रुकावट लाता है और शिक्षा में अरुचि भी पैदा करता है, क्योंकि राहु एक धुएं की तरह है जो आपके विजन और गोल की तरफ से आपका ध्यान भटका सकता है। और राहु यहाँ पूरे वर्ष रहेंगे और जब ये धुआं छटेगा तब आपको ये एहसास होगा कि आपके समय का नुकसान हो चुका है। इसलिए ग्रह गोचर की इस चाल को समझें और अपनी एकाग्रता अपनी शिक्षा के प्रति अवश्य बढ़ाएं। और आइए बात करते हैं कि स्वास्थ्य के नज़रिए से जून और जुलाई के माह आपके लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों, जून माह आपके लिए सामान्य रहेगा, परंतु जुलाई माह में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का गोचर आपको पेट संबंधी कुछ समस्याएं दे सकता है। अपने खान पान का अच्छे से ख्याल रखें और बाजार के तले हुए और अधिक मसाले वाले खाने से परहेज रखें और खाने में हाइजीन का भी अच्छे से ख्याल रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं वह सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक हैं, और यदि आपको अपनी कुंडली के हिसाब से सटीक फलादेश जानना है तो आप मेरी वेबसाइट www.planetsandhouses.com पर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करके भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कुछ समय निकालकर इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भरा हो और आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें।